हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज आपका न्यू चैप्टर लेसन 14 पॉलीगॉन है। ठीक है, पॉलीगॉन में यहाँ पे देखिए सबसे पहले कुछ टर्म्स है, उस टर्म्स को आप समझ लीजिए। पहला होता है यहाँ पे कर्व। क्या होता है यहाँ पे कर्व? कर्व क्या होता है? देखिए कर्व का अब फिगर ट्रेस्ड आउट ऑन ए प्लेन, मतलब एक प्लेन पे कोई ड्रा किया गया फिगर। ठीक है, किसी प्लेन सरफेस पे ड्रा किया गया वो फिगर। ठीक है, किसी भी जो है पेंसिल से या पेन से, किसी भी पेंसिल या पेन को बिना उठाए ड्रा किया गया कोई भी फिगर, जैसे यहाँ पे हमने फिगर कर रहे हैं ना। ठीक है, तो ये क्या है? ये एक कर्व है। किसी भी प्लेन सरफेस पे पेंसिल या पेन को बिना उठाए ड्रा किया गया कोई फिगर, कोई भी फिगर होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? कर्व। अब कर्व देखिए यहाँ पे दो टाइप होते हैं, एक होता है ओपन, एक क्या होता है, एक ओपन होता है और एक क्या होता है, क्लोज होता है। ओपन का जैसे हमने यहाँ पे बताया, ये कहीं पे मिल रहा है, कहीं पे क्लोज हो रहा है, ये कहीं भी एंडिंग पॉइंट यहाँ है, दूसरा एंडिंग पॉइंट यहाँ पे है, एंडिंग पॉइंट कहीं भी इसके मिल नहीं रहे हैं, इसीलिए ये क्या ओपन कर रहा है। अब ठीक है, अब दूसरा आता है क्लोज कर। जैसे हमने यहाँ पे ये देखिए बना दिया ये, अब देखिए हमने यहाँ पे ये हमने फिगर तो बनाया। ठीक है, ये फिगर हमने जो है क्या बिना पेंसिल उठाए या पेन उठाए बना सकते हैं, तो ये आपका क्या पूरी तरह से यहाँ पे एंड पॉइंट कहीं इसका पता ही चल रहा है, इसलिए क्या है ये क्लोज कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया कर्व हो गया। अब आता है यहाँ पे पॉलीगॉन। पॉलीगॉन क्या आते हैं? पॉलीगॉन, तो पॉलीगॉन में क्या आते हैं देखिए यहाँ पे कह रहा है सिंपल क्लोज्ड कर्व, इसके डेफिनेशन बता रहे हैं, सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ओनली लाइन सेगमेंट, मतलब केवल लाइन सेगमेंट से वो बना हो, जैसे ये और ये क्या है, ये क्लोज कर्व है लेकिन यहाँ पे सिंपल लाइन है सब। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक पॉलीगॉन है। ये देखिए यहाँ पे ये भी क्या है, एक पॉलीगॉन है ना, क्योंकि यहाँ पर भी ये क्या, ये पूरी तरह से क्लोज है और यहाँ पे क्या सिंपल लाइन सी है, 1 2 3 4। तीसरे के जो फिगर्स होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, पॉलीगॉन। आप देखिए पॉलीगॉन भी टू टाइप्स होते हैं, एक पॉलीगॉन होता है कनकेव, एक होता है कनकेव और सेकेंड जो होता है कन्वेक्स। कनकेव पॉलीगॉन में क्या होता है, पॉलीगॉन देखिए कनकेव पॉलीगॉन होता है और पॉलीगॉन इन विच एटलीस्ट वन एंगल इज मोर देन 180। उसमें कह रहा है कि कम से कम एक एंगल, कन्वेक्स में कन्वेक्स बात कर रहा है, कोई एक एंगल जो होगा वह ग्रेटर देन, वह ग्रेटर देन 180 से वो ग्रेटर हो, ये कम से कम एक एंगल आपका 180 से क्या हो, ग्रेटर हो। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, कनकेव पॉलीगॉन कहते हैं। और कन्वेक्स में क्या होता है, कन्वेक्स में जो है क्या होता है कि उसमें जो है ईच एंगल, मतलब सभी एंगल्स हो, वो क्या हो, वो लेस देन, वो क्या हो, लेस देन 180। इसमें कह रहा था एक एंगल 180 से ग्रेटर हो, कम से कम एक एंगल, लेकिन कन्वेक्स में कह रहा है इसमें जितने भी एंगल्स होंगे वो क्या होंगे, वो सब के सब जो है 180 से लेस होंगे। समझ आया, इसमें जितने भी एंगल होंगे वो क्या होंगे, वो लेस देन 180 होंगे। तो जिस भी फिगर में अगर कोई एक एंगल भी 180 से ग्रेटर हुआ तो वो कनकेव, और अगर उसमें सभी एंगल्स 180 से लेस है तो वो कन्वेक्स। ठीक है, ये आपका आ गया। अब आता है एक वर्ड आता है रेगुलर, एक वर्ड आता है रेगुलर, रेगुलर पॉलीगॉन। तो देखिए रेगुलर पॉलीगॉन में क्या होते हैं, ऐसा क्लोज कर्व या ऐसा क्लोज फिगर भी कह सकते हो जिसकी सभी साइड्स इक्वल हो। जैसे यहाँ पे ट्रायंगल है, ट्रायंगल में अगर इसकी तीनों साइड्स इक्वल है, तीनों साइड्स क्या है इक्वल, तो ये क्या है रेगुलर पॉलीगॉन है। स्क्वायर आ गया, अगर हम एक वो बनाते हैं स्क्वायर बनाते हैं तो स्क्वायर भी क्या है, ये रेगुलर पॉलीगॉन है। पेंटागॉन, पेंटागॉन में अगर हम यहाँ पे ये कहते हैं कि इसकी सभी साइड्स ऐसे इक्वल हो, सभी साइड्स क्या हो इक्वल हो, उसे हम क्या कहते हैं रेगुलर पॉलीगॉन कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक? मतलब रेगुलर का मतलब होता है कोई ऐसा क्लोज कर्व या कोई ऐसा क्लोज फिगर जिसकी सभी साइड्स क्या हो, सभी लाइंस वहां पे इक्वल होती है, उसे हम रेगुलर पॉलीगॉन कहते हैं, और जिसमें वो इक्वल ना हो उसे हम इरेगुलर पॉलीगॉन कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसके बाद फिर आपका यहाँ पे आता है कुछ फार्मूलाज है ना, कुछ फार्मूलाज है, उस फार्मूलाज को आप देखिए यहाँ पे। जैसे पहला आपका यहाँ पे हम बुक से दिखा दे रहे हैं, देखिए पहला यहाँ पे फार्मूला आपका है फॉर इरेगुलर पॉलीगॉन, अगर वहां पे आपको किसी पॉलीगॉन की एक्सटीरियर एंगल फाइंड करनी हो, किसी इरेगुलर पॉलीगॉन की एक्सटीरियर एंगल फाइंड करनी है और वहां पे साइड्स गिवन हो, कितनी साइड्स हैं, तो हम क्या करें 360 अपान यंग कर देते हैं, उसका एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा। ठीक है, अब आता है इंटीरियर एंगल, अगर फाइंड करना होगा तो क्या करोगे, 180 में से एक्सटीरियर एंगल जो आएगा उसी को आप माइनस कर दीजिए,
तो इंटीरियर एंगल आ जाएगा। अब कन्वेक्स पॉलीगॉन में हम यहाँ पे आते हैं कि अगर कन्वेक्स पॉलीगॉन में आपको सभी एक्सटीरियर एंगल अगर फाइंड करनी हुई, सभी एक्सटीरियर एंगल अगर फाइंड करनी हुई तो क्या करोगे आप, तो सभी एक्सटीरियर एंगल को फाइंड करने के लिए आप 90 में 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, मीन्स यहाँ पे आप कर सकते हो कि जितने भी एक्सटीरियर एंगल्स होंगे सभी का जो सम होगा, सभी एक्सटीरियर एंगल्स का सम वो 360 होगा। तो 360 लिखे यहाँ लिख दिया गया 4 राइट एंगल्स, मतलब 4 × 90 डिग्री। ऐसा ही अगर वहां पे आपको इंटीरियर एंगल फाइंड करना होगा तो आप क्या करोगे, तो उसका फार्मूला है 2n-4, यानी यहाँ पे क्या है साइड से, साइड में 2 से मल्टीप्लाई करके आप 4 में से माइनस कर दीजिएगा और फिर 90 से मल्टीप्लाई करोगे, तब जाके वहां पे क्या इंटीरियर एंगल्स का सम आ जाएगा। किसी भी पॉलीगॉन में अगर वहां पे कॉन्वेक्स पॉलीगॉन है तो वहां पे अगर ऑल इंटीरियर एंगल्स का अगर सम फाइंड करना होगा तो आप वहां पे साइड में 2 से मल्टीप्लाई करके 4 माइनस कर दीजिए और 90 से जितना है उसमें आप 90 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो उसका सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स आ जाएगा। ऐसे ही अगर आपको डायगोनल फाइंड करना होगा तो डायगोनल फाइंड करने का फार्मूला होता है n·n·3/2, ये फार्मूला अप्लाई करोगे। अब इसी पे बेस्ड आपका एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ठीक है, जो नहीं आएगा उसको फिर आपको बताया जाएगा। ओके, थैंक्स।